भारतीय टीम को अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाली T20 वर्ल्ड कप में खेलना है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। भारतीय टीम में कई स्टार प्लेयर है जो उन्हें ट्रॉफी दिला सकते हैं, लेकिन इससे पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी इरफान पठान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनी है। इसमें उन्होंने ऋषभ पंत की जगह एक स्टार खिलाड़ी को जगह दी है। इरफान पठान ने ओपनिंग के लिए KL राहुल और रोहित शर्मा को चुना है। वहीं तीसरे नंबर के लिए विराट कोहली को जगह दी है। खास बात यह है कि चौथे नंबर पर इरफान पठान ने श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है। सूर्य कुमार यादव चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदलने में माहिर है। इरफान पठान ने T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत को जगह नहीं दी है। पंत की जगह टीम में दिनेश कार्तिक को मौका मिला है। कार्तिक ने IPL और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार खेल दिखाया था। वहीं हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह दी गई है। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता था। इरफान पठान ने स्पिन की जिम्मेदारी निभाने के लिए युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा को चुना है। वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण में हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर्स में कातिलाना गेंदबाजी के लिए फेमस है। तो दोस्तों, इरफान पठान के द्वारा T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 कुछ इस तरह है। KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह।